हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रूपाली मैम, कंप्यूटर ट्रेनर। वेलकम माय यूट्यूब चैनल न्यू इवन कंप्यूटर क्लासेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो जो अपलोड होती रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम बात करते हैं व्हाट इज वर्ड पैड। वर्ड पैड क्या है और वर्ड पैड को हम कैसे चलाते हैं। तो वर्ड पैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। वर्ड पैड एक बेसिकली बिल्कुल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट को लिखकर उसमें हम कलर भी कर सकते हैं और उसको हम बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा वर्ड पैड, मतलब हम उसमें एडिटिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारा विंडो का पार्ट होता है और ये जो होता है वर्ड पैड, नोट पैड की तरह नहीं होता है। वर्ड पैड का फाइल एक्सटेंशन नेम .rft होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, वर्ड पैड को चार तरीके से ऑन करने के आसान तरीके आज हम बताते हैं। आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप है हमारा विंडो प्लस आर को प्रेस किया। यहाँ पे वर्ड पैड की रन कमांड जो होती है हमारी वर्ड पैड ही होती है, WORDPAD। यहाँ पे अप डाउन, अब जो आपकी डाउन वाली की होती है उसको आप नीचे लेकर आइएगा और एंटर से प्रेस कीजिए। ठीक है, वर्ड पैड ओपन होकर आ गया, इसको आप अल्ट F4 से क्लोज कर दीजिए। सेकंड आता है आपका नीचे टास्क बार में जो स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक कीजिए और ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ऐसे सीरीज पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका वर्ड पैड आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, वर्ड पैड आपका ओपन होकर आ गया। ठीक है, इसको या तो आप यहां से भी क्लोज कर सकते हैं या फिर अल्ट F4 इसकी शॉर्टकट की होती है। थर्ड है आपका, फिर स्टार्ट पे जाएंगे हम, यहाँ पे लिख रहा है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल, यहां पर हम सर्च कर लेंगे वर्ड पैड WOR। देखो नीचे आ रहा है ये वर्ड पैड, यहां पर ये आ रहा वर्ड पैड, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वर्ड पैड ओपन होकर आ गया, क्लोज कर लिया, राइट क्लिक किया, न्यू पर गए हम, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, ये फोल्डर आ गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, इस पर राइट क्लिक किया, ओपन विद और वर्ड पैड। तो स्टूडेंट्स ओपन हो गया वर्ड पैड, चार तरीके समझ में आए, इसको आप यहां से मैक्सिमाइज कर लीजिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। वर्ड पैड के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाली लाइन ये होती है ब्लू वाली, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। इसमें आपके तीन ऑप्शन होते हैं, क्लोज, रीस्टोर डाउन और मिनिमाइज। रीस्टोर डाउन कर देंगे तो आप इस टाइप से हो जाएगा या हाफ स्क्रीन पर हो जाएगा, और इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वर्ड पैड। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई फाइल नेम नहीं दिया है। फाइल नेम दे देंगे तो यहाँ पे ये फाइल नेम शो करके और वर्ड पैड आएगा, जैसे राम वर्ड पैड इस टाइप से। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा दे रखा है, यहाँ फाइल दे रखी है ये, ठीक है, वर्ड पैड फाइल। यहाँ पे होम, होम में क्या है हमारा पूरा ये रिविन होता है, ये सारा, ये यहां से लेके यहां तक हमारा पूरा रिविन कहलाता है। होम के बाद हमारा व्यू है, ठीक है, व्यू फाइल और आपकी होम है, एडिट होती है, ऐसी जो भी आपकी मेनू बार, जो ये जो वो आपकी लाइन होती है टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होती है। मेनू बार में जितनी भी आपकी शॉर्टकट की है वो सब अल्ट के साथ ओपन होती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक किया मैंने न्यू, न्यू का मतलब है कंट्रोल प्लस एन से हम दूसरी फाइल ले सकते हैं। ओपन करना, कंट्रोल प्लस ओ से सेव की हुई फाइल को ओपन भी करते हैं, सेव करना फाइल को,
कंट्रोल एस सेव अस। कोई फाइल अगर अभी मेरे यहाँ पे प्रशांत के नाम से सेव है तो मुझे उसको नाम देना है, तो मुझे सेवस में जाकर वहां पे सेवस में जाकर और नाम को वहां से प्रशांत हटाकर मुखविट डालकर ओके करना है। ठीक है, प्रिंट निकलवाना है तो कंट्रोल बी से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। पेज सेटअप, पेज का सेटअप यहाँ से हम ले सकते हैं। साइज दे रखा है आपका यहाँ पे लेटर, लेटर में अधिकतर हम जो पेज का साइज लेते हैं A4 लेते हैं। ठीक है, A4। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट करना है आपको तो यहाँ से पोर्ट्रेट में देखिए क्या लेफ्ट में कितना करना है और लैंडस्केप करना है तो यहाँ पे कितना करना है। ठीक है, टॉप में और बॉटम में जो भी आपको लेना होता आप यहाँ से ले सकते हैं पेज का सेटअप। फिर आता है आपका यहाँ पे सेंड इन ईमेल, ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड, वर्डपैड कौन सी विंडो का पार्ट है, विंडो 7, विंडो 8, तो ये विंडो 7। ठीक है, क्लोज। फिर फाइल पे गए, यहाँ पे एक्सिट का मतलब होता है बाहर आना किसी प्रोग्राम से। ठीक, व्यू, व्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, इस व्यू की तो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस वी। व्यू में है जूम इन, जूम आउट और 100%। ठीक है, जूम इन कर दिया, जूम आउट कर लीजिए, या आपको नॉर्मल करना है तो 100% कर लीजिए। ठीक है, रूलर, आप रूलर लगा सकते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार में आपके अगर यहाँ पे क्लिक नहीं किया है अभी स्टेटस बार शो करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्टेटस बार में आपकी ये वाली लाइन शो होगी कि आपने नॉर्मल पे है, कितने जूम है, कितना आउट है। वर्ड रैप आपको मैंने बताया था, नोटपैड में भी वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं जिससे वो हमें पूरा दिखाई दे टेक्स्ट, उसके बीच का जितना भी स्पेस होता है हम वहां से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका होम पर क्लिक कीजिए तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लूं, जैसे वर्डपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर, इस लाइन को वर्डपैड WORDPAD वर्डपैड इज ए बेसिक, वर्डपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग EDITING एडिटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आपको। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे, देखते हैं कि इसकी हमें कॉपी कैसे करनी है, पेस्ट कैसे करना है, कट कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, इसको हम साइज भी चेंज करना है और बोल्ड इटैलिक सब कुछ सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से इसकी शॉर्टकट की होती है, अगर माउस से करेंगे तब लेफ्ट की से करेंगे। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसकी मुझे कॉपी करनी है तो कॉपी करने के लिए कॉपी पे क्लिक किया और फिर मैंने पेस्ट पर क्लिक किया और फिर मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये इस टाइप से इसकी कॉपी हो गई। अगर आपको इसको लैंग्वेज चेंज करनी है तो कंट्रोल ए से फिर सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहां से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, एरियल कर लीजिए लैंग्वेज एरियल। ठीक है, अगर आपको इसको साइज बड़ा देना है साइज बड़ा कर लीजिए आप इसको, यहां से 24 कर लिया मैंने। बोल्ड करना है, बोल्ड हो गया। इटैलिक मतलब तिरछा करना है शब्दों को। अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं करना है तो आप इन पे सब पे क्लिक कीजिए, नहीं होगी। ठीक, इसके बाद आपको कट करना है सबको तो कट कर दीजिए, वापिस करना है तो कंट्रोल जेड से वापिस भी आ सकता है। ठीक है, अब आपका दे रखा है यहाँ पे ए, ए में क्या है देखिए ऑटोमेटिक लिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड ले लिया। ठीक है, कंट्रोल ए से फिर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको हेडर करना है तो आप इसको हेडर भी कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप। ठीक है, हाईलाइट हो गया ये।
अब इसके बाद आप देखिए यहां पे, इसको आपको सेंटर में रखना है, सेंटर में आ जाएगा, राइट में, लेफ्ट में, ठीक है। आपको जो एलिमेंट होता है राइट में रखना है तो कंट्रोल आर, और अगर सेंटर में रखना है तो कंट्रोल ई, और अगर लेफ्ट में रखना है तो कंट्रोल एल का यूज करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। पिक्चर अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग देनी है, अच्छा पहले ये देख लीजिए आप, यहाँ पे मुझे डिलीट करना है इसको, तो डिलीट भी कर सकते हैं या कंट्रोल एक्स कट भी कर सकते हैं हम इसको, कंट्रोल एक्स, ठीक है, या फिर आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए पहले और कंट्रोल एक्स कट, ठीक। दो चार मैंने ऐसी यहाँ पे लाइन लिख ली है, ठीक है। अब कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहां पर क्लिक किया है मैंने, इनके बीच में जो आपको स्पेस देना है 1.5 का देना है या 2 का देना है, ठीक है, जो भी स्पेस आपको देना है आप यहां से कर सकते हैं। हम 1.5 का दे दिया है मैंने, ठीक है, इनकी लाइनों में स्पेस। फिर है आपका यहां पे आपको जैसे ये नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग भी हम दे सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से एंटर लगा लगा के नंबरिंग आती जाएगी आपकी, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे रूलर, देखो इसका ये जहां भी आपको रखना है, ठीक है, ये बैग होता है यहां से। फिर आपकी पिक्चर, पिक्चर लेनी है आपको यहां से, कोई भी पिक्चर आप यहां से ले लीजिए, जैसे यहां से कोई सी पिक्चर हमने ये ले ली, इस पर क्लिक किया मैंने और ओपन कर लिया, ठीक है, ये पिक्चर आ गई आपकी। इसको छोटा कर लीजिए अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो, इसका साइज, ठीक, इसका साइज आपका छोटा भी हो जाएगा। माउस की लेफ्ट की का यूज करेंगे आप और साइज आपको छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका यहां पर प्रिंट ड्राइंग, यहां से प्रिंट ड्राइंग का क्या होता है, पेन ड्राइंग यहां से आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है, यहां से आप कुछ भी बना लीजिए, इसका साइज बड़ा करके एक स्टार बना लिया है मैंने, स्टार बना लिया, ठीक है, और आप क्लोज कर दीजिए, स्टार आ गया आपका, ठीक है, डायरेक्ट आ जाता है ये वर्ड पैड पर, ड्राइंग में बनाकर वर्ड पैड पर आ जाएगा। डेट टाइम, डेट टाइम आपको जो अच्छी लगे यहां से, जो भी आपको सिलेक्ट करनी है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ओके कर दीजिए, आ गई। कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो आप यहाँ पे डेट टाइम डाल सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या है देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू फाइल, आप यहाँ से एक्सेल में जा सकते हैं या पावर पॉइंट वगैरह आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, जैसे अभी हम एमएस पेंट में गए थे इस टाइप से। फाइंड, फाइंड का मतलब है यहाँ पे हम किसी शब्द की खोज करेंगे, जैसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर, कंट्रोल जेड से बैक कर लिया मैंने, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है मैंने, ठीक है, और इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने थोड़ा साइज लैंग्वेज चेंज करी है, इसकी एरियल कर ली और इसको मैंने साइज बड़ा कर लिया, ठीक। अब मुझे यहाँ पे जेड एन लिख रहा है, जेड की जगह मुझे ए करना है, जेड की जगह तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया, रिप्लेस करना है मुझे, तो रिप्लेस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक किया, जेड में सबसे ऊपर वाली जो फाइंड वर्ड है इसमें आप जेड लिखेंगे, नीचे वाले बॉक्स में रिप्लेस किस क्या करना है तो ए कर लिया मैंने, ठीक है, रिप्लेस करेंगे तो एक ही स्थान पर होगा, जेड के एक स्थान पर, अगर रिप्लेस ऑल करेंगे जहां जहां जेड लिख रहा है वहां वहां ए हो जाएगा, ठीक है, ओके, एक ही जगह लिख रहा है जेड, पहले आपको सर्च करना है यहां पे, पहले फाइंड कर लीजिए, फाइंड में हमने फाइल नेम डाल दीजिए आप, जैसे मैंने डाल दिया ऐसे, ठीक, बी एन करके इसको आप यहां से सर्च कर लेंगे,
ये आ रही है, और आप यहाँ से ओके ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।